हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चाइनीज जुडिशियल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने चाइना की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसके रिगार्डिंग किया कि कैसी उसकी कॉम्पोजिशन है, क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है। एंड आज हम करेंगे जो चाइनीज जुडिशियल सिस्टम है इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। जो चाइना का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह पैरामिड है, मीनिंग टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है एंड लोअर लेवल पर क्या है, बहुत सारी कोर्ट्स हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिटी में प्रिवेल करती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 वो क्या कहता है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शैल इस्टेब्लिश अ सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एंड लोकल पीपल्स कोर्ट एट ऑल लेवल्स, मीनिंग जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं जैसे वहाँ पर डिवीज़न की गई है, वैसे ही हर एक लेवल पर जो लोकल पीपल्स कोर्ट हैं इनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो टॉप पर क्या होगी, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट होगी, और लोकल लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज हैं वहाँ पर लोकल पीपल्स कोर्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स एंड अदर स्पेशल पीपल्स कोर्ट इनको इस्टेब्लिश करना है। तो ये क्या कह रहा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका स्ट्रक्चर है पैरामिडल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या आती है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ऑफ चाइना, मीन जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट लाइक दिस, सबसे हाईएस्ट ऑर्गन वो कौन सा है, वो है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं इसके अंडर ही काम करती हैं। तो जी सुपरवाइज करती है जितने भी लोकल कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, इनकी जो भी डिसीजंस हैं, रूल्स को अप्लाई करी हैं, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस देने हैं, सुपरविजन का काम जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है ये ही करती है। तो जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस हैं वो हमने लास्ट सेशन में किया था, जिसमें ये कहा गया जिसके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ये इलेक्ट करती है। तो जो प्रेसिडेंट हैं, मीनिंग जो वहाँ का चीफ जस्टिस है जिसको चाइना में प्रेसिडेंट कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट अपने हर एक काम के लिए जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसको ही रिस्पॉन्सिबल है, आंसर एबल है। तो सबसे ऊपर हो गए सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। आफ्टर दैट लोकल पीपल्स कोर्ट, जो लोकल पीपल्स कोर्ट है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हमारी डिवीज़न है, सेंट्रल लेवल पर होगी जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है। आफ्टर दैट स्टेट्स होगे, स्टेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं हम इसमें कोर्ट्स को डिवाइड करते हैं। वैसे ही चाइना ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में 3 टाइप्स की कोर्ट को डिफाइन किया है। पहले आती है हायर पीपल्स कोर्ट, जे सुप्रीम कोर्ट से बिलो होती है। जे किस लेवल पर होती है, एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस ऑटोनॉमस रीजन्स म्यूनसिपैलिटीज, वहाँ पर हायर पीपल्स कोर्ट है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड इसमें भी जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, अदर जजेस हैं जिनको इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, पीपल्स कांग्रेस एट प्रोविंशियल लेवल। जैसे लेजिस्लेचर है, नेशनल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है हम उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जो प्रोविंसिस लेवल पर लेजिस्लेचर है उसको कहते हैं पीपल्स कांग्रेस एट प्रोविंशियल लेवल। तो जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस हैं, तो जो हायर पीपल्स कोर्ट के जे जजेस हैं इनको प्रोविंशियल लेवल की जो पीपल्स कांग्रेस है जे ही इलेक्ट करती है और जे रिमूव भी कर सकती है। तो जे अपने हर एक काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल है, पीपल्स कांग्रेस एट प्रोविंशियल लेवल। और हायर पीपल्स कोर्ट के अंडर कौन आती है, इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट,
जो इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट है ये कौन सी लेवल पर है, एट द लेवल ऑफ प्रीफेक्चर्स एंड काउंटी, मीनिंग जो प्रोविंसेस है प्रोविंसेस से जो प्रीफेक्चर है इसका एरिया कम होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा होता है। तो प्रीफेक्चर्स एंड काउंटी इन लेवल पर इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसमें भी क्या है, जो इसका चीफ जस्टिस है जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है एंड जजेस हैं इनको भी इलेक्ट एंड रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है, बाय पीपल्स कांग्रेस एट प्रीफेक्चर लेवल। जितनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जितने लेवल पर जो वहाँ की जुडिशियल लेवल है उतने ही वहाँ पर जो लेजिस्लेचर लेवल है वो भी प्रिवेल करते हैं। तो हर एक लेवल पर जो जुडिशरी है अपने उसी लेवल की लेजिस्लेचर को आंसरेबल है। वही लेजिस्लेचर क्या करती है, वो लेजिस्लेचर जो जजेस हैं प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है इनको इलेक्ट करती है और टाइम आने पर रिमूव भी कर सकती है अगर जे अपना काम है अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड सबसे लोएस्ट यूनिट पर क्या आता है, बेसिक पीपल्स कोर्ट। बेसिक पीपल्स कोर्ट है जी किस लेवल पर काम करती है, एट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल। डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल जो लोएस्ट यूनिट है इस लेवल पर बेसिक पीपल्स कोर्ट है जी काम करती है। इट हियर्स सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड सेटल माइनर केसेस। जो माइनर केसेस हैं जे केसेस हैं बेसिक पीपल्स कोर्ट हैं इसमें ही सेटल कर लिए जाते हैं। और इस बेसिक पीपल्स कोर्ट है इस कोर्ट में भी जो प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड जजेस हैं इनको इलेक्ट एंड रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, पीपल्स कांग्रेस एट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल। जिस लेवल की जे कोर्ट है उसी लेवल के लेजिस्लेचर के द्वारा ही जजेस को इलेक्ट एंड रिमूव किया जाता है। तो ये होगी लोकल पीपल्स कोर्ट। तो टॉप पर होगी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, इसके बाद जो प्रोविंसेस है प्रोविंसेस लेवल आ गया, फिर प्रीफेक्चर एंड काउंटी लेवल आ गया एंड थर्ड नंबर पर आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल। इस तरह वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह डिवीजन की गई है। तो ये होगी स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में ये भी डिफाइन किया गया है वहाँ पर हर एक लेवल पर मिलिट्री कोर्ट्स हैं एंड अदर स्पेशल पीपल्स कोर्ट है इसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं एंड मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये क्या हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं स्पेशल कोर्ट्स को कब फॉर्म किया जाता है, जब जरूरत पड़ती है। स्पेशल कोर्ट्स आर फॉर्म व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है। जैसे कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर जो कल्चरल रेवोल्यूशन में जो भी पर्सन थे उनके अंगेंस्ट जो केस फाइल किए जाते थे उनको स्पेशल कोर्ट्स में ही फाइल किया जाता था। एंड लाइक दिस जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं इसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स हैं इस्टेब्लिश किया गया था। जो मैरिज लॉ हैं इसके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया है। लाइक दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, मैरीटाइम कोर्ट्स हैं जो मैरीटाइम वाटर के साथ रिलेटेड है। तो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो इस तरह वहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स के अलावा मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं इनके अंगेंस्ट अगर कोई केस फाइल होता है तो उसको मिलिट्री कोर्ट में ही सुना जाता है। चाहे कोई सिविल केस है क्रिमिनल केस है वो मिलिट्री कोर्ट में ही जाता है। अगर किसी पर्सोनल ने जो मिलिट्री कोर्ट है इसके अंगेंस्ट अपील करनी है तो वो कहाँ पर फाइल होती है, इन सुप्रीम पीपल्स कोर्ट्स। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट कैन बी फाइल्ड ओनली इन द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। इस तरह वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है स्पेशल कोर्ट एंड मिलिट्री कोर्ट जो हर एक लेवल पर प्रिवेल करता है। और उसके बाद आता है पीपल्स प्रोक्यूरेटर्स। पीपल्स प्रोक्यूरेटर्स क्या है, जैसे इंडिया में अटॉर्नी जनरल होता है जो हर एक कोर्ट में होते हैं, लाइक दिस वहाँ पर प्रोक्यूरेटर्स हैं इसकी प्रोविजन की गई है जिसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती हैं।
तो जे क्या है? इट इज अ लीगल ओवरसाइट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जे क्या होगी? जो स्टेट का लीगल ओवरसाइट ऑर्गन है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो जो पेपर्स प्रोक्रिएटर्स है, जे भी सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक हर एक लेवल पर फॉर्म किए गए हैं। तो सबसे पहले टॉप पर कौन आता है? जनरल प्रोक्रिएटर्स, जो कि सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में इसका ऑफिस होता है। तो जे क्या है? जे भी क्या है? जो सबसे टॉप पर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है, उसमें जो जनरल प्रोक्रिएटर होगा, जिसके अंडर अदर लेवल्स पर जो प्रोक्रिएटर्स हैं वो काम करते हैं। और जो खुद जनरल प्रोक्रिएटर है, he is also elected by the National People's Congress। तो इसको भी National People's Congress के द्वारा ही elect किया जाता है for 5 years। तो इसकी जो tenure है वो 5 years होती है। और जी maximum क्या है? 2 terms तक ही अपनी services हैं दे सकता है। and जो general procurator है, he directs the वर्क ऑफ लोकल पीपल्स प्रोक्रिएटर्स, मीनिंग जो इसके लोअर लेवल पर प्रोक्रिएटर्स होते हैं उनके काम को डायरेक्ट करता है। तो इस तरह जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस पर प्रोविंसेस प्रोक्रिएटर्स होते हैं। जो इंटरमीडिएट कोर्ट है वहाँ पर भी प्रोक्रिएटर हैं। लोकल लेवल पर जो कोर्ट है वहाँ पर भी प्रोक्रिएटर्स हैं। तो इनकी भी हायरार्की बनी हुई है। तो जो प्रोक्रिएटर्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ पीपल्स प्रोक्रिएटर्स, तो प्रोक्रिएटर्स कीप एन आई ऑन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशर्स। तो ये क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके कंडक्ट पर कि ये अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जे नहीं कर रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशर्स हैं, इन पर बहुत अच्छे से सुपरवाइज करते हैं। इवन कि जो कॉमन पर्सनस हैं, कॉमन पर्सन भी इनकी रिगार्डिंग अगर अपनी अपील देनी है वो प्रोक्रिएटर के पास जा सकते हैं। तो प्रोक्रिएटर इनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो कुछ प्रोक्रिएटर्स हैं, प्रोक्रिएटर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि दे कैन इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दोज हु वायलेट लॉ, मीनिंग जे अरेस्ट वारंट है इसको भी इशू कर सकते हैं। जो प्रोक्रिएटर्स हैं, दे सुपरवाइज एंड इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स। जो कोर्ट है, कोर्ट की वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रही है, इसको सुपरवाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये काम किसका आता है? जो प्रोक्रिएटर्स हैं इनका ही आता है। तो इस तरह वहाँ पर जो सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया गया है, जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं, इनका गार्जियन कौन बन जाता है? जो प्रोक्रिएटर्स हैं। तो प्रोक्रिएटर्स के पास बहुत ही वास्ट पावर्स हैं, जिन वास्ट पावर की वजह से इनके जो ऑफिस है इसकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, जो जुडिशरी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरह वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आज हमने इसकी स्टडी की। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहाँ का, ये क्या है? जो लेजिस्लेचर है इसके अंडर ही वर्क करता है, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मीन्स जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ की जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल जुडिशरी नहीं है जैसे इंडिया में है। वहाँ की जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू के भी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को चीपेस्ट एंड बहुत ज़्यादा जल्दी जस्टिस मिल जाता है। तो वहाँ पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी का पर्पस क्या है? जो लोग हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो लोग सोशलिस्ट वैल्यू के अंगेंस्ट हैं उनको पनिशमेंट देना, एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सुपरविजन के अंडर ही काम करती है। तो वे दिस चाइनीज जुडिशियल सिस्टम है। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। होप्स कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।